नमस्कार, मैं हूं देवांशी मोहित्रा। एशिया के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज देश की पहली ऐसी कंपनी बन गई जिसका बाजार पूंजीकरण 10 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप गुरुवार को 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया। पिछले 30 सालों में कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन में 60,000% की बढ़ोतरी हुई। रिलायंस के सफर की सबसे खास बात यह रही कि जरूरत पड़ने पर उसने खुद को समय के साथ बदल लिया। पिछले 3 दशकों में कंपनी पहले यान मैन्युफैक्चर से लेकर तेल गैस क्षेत्र की दिग्गज कंपनी बनी और उसके बाद वो डिजिटल और रिटेल सेगमेंट में लीडर बनकर उभरी। जिस तरह से कंपनी लोगों के जरूरत के अनुसार खुद को बदल रही है उसे देखते हुए कंपनी के विजन पर निवेशकों का भरोसा भी बना हुआ है और उन्होंने उसका लगातार समर्थन किया है। इसी वजह से जनवरी 1991 के बाद से कंपनी के वैल्यूएशन में 60,742% की बढ़ोतरी हुई। इस दौरान रिलायंस ने कई ऐसे मुकाम हासिल किए जहां उससे पहले कोई अन्य भारतीय कंपनी नहीं पहुंची थी। वो निजी क्षेत्र की देश की पहली कंपनी बनी जिसकी रेटिंग S&P और मूडीज ने की। 2019 में 10,000 करोड़ का तिमाही मुनाफा हासिल करने का मुकाम रिलायंस ने हासिल किया। 2 जनवरी 1991 से 29 नवंबर 2019 के बीच रिलायंस के मार्केट कैप में 600 गुना की बढ़ोतरी हुई। 2009 के बाद से रिलायंस सालाना आधार पर मुनाफे में रही है। इस वित्त वर्ष में कंपनी का प्रॉफिट 15,278 करोड़ रुपए था, जो वित्त वर्ष 2019 में 10% से अधिक की बढ़ोतरी के साथ 39,734 करोड़ रुपए हो गया था। लेकिन अब ये भी जान लेते हैं कि किन वजहों से इन शेयर्स में तेजी देखने को मिली। दरअसल HSBC ने हाल ही में 1,700 रुपए के टारगेट प्राइस के साथ इसे बाय रेटिंग दी। उसने कहा कि रिलायंस के शेयर सस्ते हैं। सेंट्रम ने रिलायंस के लिए 1,625 रुपए का टारगेट रखा है। एपिक रिसर्च के CEO मुस्तफा नदीम ने बताया कि दो वजहों से रिलायंस के शेयरों में तेजी बनी हुई है। पहली, रिलायंस जियो की ग्रोथ शानदार रही है और इसका मार्केट शेयर बढ़कर 30% से अधिक हो गया है। दूसरी, सऊदी अरामको को हिस्सेदारी बेचने से रिलायंस का शेयर और आकर्षक हो गया है। इससे 2021 तक कंपनी को कर्ज मुक्त बनाने में मदद मिलेगी।